गिलोय, गुड़वेल बोलते हैं आपके यहाँ, गुड़वेल, अमृतबल्ली, गुड़ूची, गड़ो, नीम गिलोय, अमृता, ये उसके कई नाम बता दिए मैंने। गिलोय जो है, गिलोय तो पूरे देश में हमने इतना प्रचार किया है। देखो गिलोय के बारे में थोड़ा बताता हूँ। गिलोय सर्दी जुकाम काफ एलर्जी, और माता बहनों किसी किसी में प्लेटलेट की कमी होती है। ब्लड के तीन कंपोनेंट है, एक प्लेटलेट, एक WBC, एक RBC। ये गिलोय ऐसे लता होती है, ऐसे इसकी डंडी ऐसे बो दो तो इसी में पत्ते निकल आते हैं और ये पूरे पेड़ पर चढ़ जाती है। इसमें से अब जैसे इतनी डंडी है जिनको, अब देखो किसी किसी माँ बहन बेटी को आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, तो आर्थराइटिस के लिए हम दवाई बताते हैं, चंद्र प्रभावटी लो, योगराज गुग लो, सिंहनाथ गुग लो, त्रिदशांग गुग लो। ये आर्थराइटिस ना बहुत परेशान करता है माताओं बहनों को। करीब करीब 80% लेडीज को जोड़ों में दर्द होता है, और कमर में दर्द तो ये तो स्त्रियों को वरदान में मिला है, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत, पीरियड के टाइम होगा ही होगा, फिर उम्र के बाद होता ही होता है। देखो ये जोड़ों के दर्द के लिए कई तरह की औषधियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो एलोवेरा, जोड़ों के दर्द की कोई भी दवाई लो, गर्मी करती है उससे लिकोरिया हो जाता है और कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, इससे कोई समस्या नहीं होती। ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये मोटापा के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, इम्यूनिटी वीक है। सुन लो माता बहनों, ज्यादातर माताओं बहनों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको सर्दी जुकाम बुखार बार बार होता है। साल में एक या दो बार ताप, मन फीवर, कफ, एलर्जी, गला खराब, साल में एक दो बार तो होता ही होता है। जो इसको पिएंगी एक बार भी आपको ताव नहीं आएगा, एक बार भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, एक बार भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी और सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाती है इससे, गिलोय से। इसको क्या करना, इसको इतना, जैसे इसका दो टुकड़ा किया, ये ताजी है अभी, है ना, ऐसे ऐसे ना टूटती नहीं आ आसानी से ना, ये अंदर से थोड़ा गीली, ऐसे थोड़ी चिकनी चिकनी होती है, तो इतना सा इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे टूटती है, फिर ये इतना सा टुकड़ा ले लिया, बहुत है। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके और कूट लो इमाम दिस्ते में, फिर रात को भिगो दो, और किसी को गर्मी करे, वैसे तो ये गर्मी नहीं करती है, तो ऐसे पानी में भिगो के सुबह पानी पी लो ऐसे मसल के, और नहीं तो उबाल करके काढ़ा बना के पी लो। पहले मुझे भी साल में एक बार तो कफ हो ही जाता था, खांसी कफ, मैंने भी ये गिलोय पीनी शुरू कर दी, अब मुझे एक बार भी कफ नहीं होता, एक बार भी खांसी नहीं होती, बुखार तो आता ही नहीं। ये इतनी बढ़िया चीज़ है। घर में बच्चों को साल में एक दो बार तो पिला दो, जब सर्दी शुरू होती है तब, जब भी वेदर चेंज होता है ना, सर्दी गर्मी जो संधि काल होता है ना दो ऋतुओं के बीच, उस समय बच्चों को पिलाया करो गिलोय। क्या पिलाना है बोलो, तुम्हारे घर की 50% सेविंग कर रहा हूं बजट की, घर का आधा खर्चा किसमें होता है बोलो, दवाई में, जोर से बोलो किसमें खर्चा होता है, तुम्हारा दवाई का खर्चा बंद। हम अपने ब्रह्मचारियों को, और मैं खुद इसका प्रमाण हूं, 25 सालों में मैंने एक भी रुपए की दवाई नहीं खाई, 25 ईयर्स हो गए, और मेरे को तो सारा देश जानता है, कोई भी डॉक्टर आके बता देगा मैंने दी थी बाबा रामदेव को दवाई, ये खाई थी, नहीं खाता मैं, क्यों, जरूरत ही नहीं, एक तो योग करता हूँ, और ये गिलोय जब से पी, ये गिलोय, पहले तो मैं आंवला एलोवेरा लेता था, ये अच्छा है, लेकिन फिर मैंने गिलोय भी लेनी शुरू की। जब 50 या 50 के 40 से ऊपर पहुंच जाओ ना, तो ये गिलोय लेना शुरू कर दो। हमारे हेल्थ सेथ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।